हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल क्रिएशन। तो मैं आप लोग को अपना किचन दिखाती हूँ, उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी तो मैं सोचा इसका कुछ अच्छा न्यू मेकओवर करते हैं। मैं इसकी टाइल्स देख के बहुत बोर हो गई थी, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर ख़रीदा जिससे कि मैं कुछ नया देख सकूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आए, तो इसलिए मैंने ये वॉलपेपर ख़रीदे। और ये जो पेपर है, हमें बस इस पेपर को निकालना होता है और ये वॉलपेपर अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। तो ये मैंने इसको पहले एक जगह ट्राई करा, फिर मैंने अच्छे से देखा कि ये अच्छे से चिपक रहे हैं कि नहीं चिपक रहे हैं। तो आप लोग को इसका स्टिक करते हुए वीडियो आपको मिल जाएगा, सो प्लीज़ वेट। तो ये मैंने अपने किचन को पूरा खाली कर लिया है क्योंकि अब इसके टाइल्स में ये अपना वॉलपेपर चिपकाऊँगी। तो देखिए मैंने ये वॉलपेपर चिपका रही हूँ और इसको मुझे थोड़ा सा दबाना पड़ा क्योंकि इसको स्टिक करने के लिए तो दबाना ही पड़ेगा वैसे यूजुअली। सो इसमें मुझे बस थोड़ी सी हेल्प लगी, ज़्यादा हेल्प नहीं क्योंकि ये ईजिली हो जाता है। इसमें बस मुझे पेपर खींचना था और ये आसानी से स्टिक हो गया था। तो आप लोग को मैं इसको पूरा फुल वीडियो मीन्स आप लोग को मेरा दूसरा वीडियो देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये आप लोग को एक हफ्ते बाद मिल जाएगा। और देखिए अब इसे ये बहुत ईजिली स्टिक हो जाता है, मैं आपको यही कहूँगी कि ईजिली स्टिक हो जाता है। और इसमें आप कुछ भी मतलब कोई किसी चीज़ की छींटे लग जाती हैं तो वो ईजिली वन वाइप में क्लीन हो जाती हैं। तो गाइज मुझे ये, मैं इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ इसे और बाकी जगह पर भी ट्राई करूँ स्टिल, बट इट्स सो गुड। मैं इसका पैटर्न भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, कुछ देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने इस वाले पैटर्न को ही ख़रीदा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न है जो कि मेरे बाकी के घर के प्रिंट से मैच करता है, सो इट कैन मैच विथ माई हाउस। तो मुझे इसके पैटर्न्स का कलर, मैंने मेनली यही कलर उनसे कहा था, उन्हें मुझे यही कलर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं चाहती मुझे वही मिला। और मैंने ये ऑनलाइन ख़रीदा था, देखिए वो टेक्सचर भी मैंने दिखाया कि टेक्सचर, देखिए वो टेक्सचर भी आ रहा है। तो मैंने ये ऑनलाइन ख़रीदा था, तो आप भी ऑनलाइन में जाके देख सकते हैं। तो अब मैंने देखिए मैंने नीचे से इसको एक कटर की हेल्प से कट कर लिया था क्योंकि जो एक्स्ट्रा था उसे नहीं चिपकाना था, इससे जो एक्स्ट्रा था मैंने उसे कट कर लिया है कटर की हेल्प से। देखिए मैंने इसे पूरी वॉल में अभी स्टिक नहीं करा है, मैंने अभी बस हाफ ऑफ अ वॉल करा है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ कटर। ये बहुत इजीली कट हो गया था क्योंकि ये कट भी बहुत इजी हो जाता है, बट इसे हमें पानी से बचाना है और हीट से बचाना है क्योंकि हीट से वो निकलने लगेगा। तो देखिए मैंने ये किचन के लिए एक DIY बनाया था, तो मैंने उसका एक पार्ट लिया, उसी वॉलपेपर का एक पार्ट लिया और मैंने उसे इसमें स्टिक करना स्टार्ट कर दिया। इसका भी टेक्स्चर आएगा बिकॉज द कैन ऑल्सो हैव अ टेक्स्चर। सो देखिए आप इसे ईजी स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने इसे मेरा मुझे जहाँ अच्छा लगा, मतलब जहाँ पैटर्न मुझे मिला, मैंने उसे इसमें स्टिक कर दिया। तो देखिए अभी मैं इसे कैनवस स्टिक कर रही हूँ जिससे मैं इसके अंदर अपने किचन की कुछ सामान रख सकूँ, सीजर टाइप, नाइफ वगैरह। तो देखिए अभी मैं इसे पूरे में स्टिक कर दूँगी, पूरी कैनवस स्टिक करूँगी जिससे कि फुल अच्छा लुक आए। तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, बट मैंने जिस पैटर्न से इसे इसके ऊपर जो पैटर्न चिपकाया है वो मेरा किचन के संग ज़्यादा मैच करेगा, इसलिए मैंने इसे किचन में रखा है। आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं लाइक स्टडी टेबल एंड वगैरह। तो देखिए मैंने इसे चिपका दिया है, मतलब ये पूरा चिपकाया नहीं है, इट्स स्टिल इन अ प्रोसेस नाउ, ये पूरा चिपक गया है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट नहीं करेंगे, इसके हम बीच बीच से कट करेंगे लाइक दिस, जिससे ये इजिली स्टिक हो सके, बाहर ना निकले और ये अजीब नहीं लगेगा। फिर देखिए फिर हमें इन्हें अंदर को मोड़ देना है जिससे ये हमारी इजिली स्टिक हो सके। देखिए हमें जहाँ तक है पूरे में इसे कट करना होगा विद अ पैटर्न, यू नो। इस पूरे वीडियो में और इस पूरे काम को करने के लिए हमें बस एक चीज़ ढूंढनी है, पैटर्न। देखिए ऊपर भी हमें ऐसे ही कर देना है और नीचे भी सेम करना है, सेम प्रोसेस ऊपर और नीचे है। सो गाइस आई थॉट मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको और ऐसे नई नई वीडियो आपको दूँगी। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम आगे चलते हैं, ये देखिए अभी हमने उसको अच्छे से स्टिक कर दिया है, ऐसे ही हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड करना है। आप
कोई भी कैन ले सकते हैं, पतला बड़ा, और पैटर्न आपकी चॉइस पे है कौन सा पैटर्न आपको चाहिए। बट नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैचिंग लें, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप वो भी ले सकते हैं। बिकॉज मैंने तो पैटर्न रखा है, आप बिना पैटर्न के भी कर सकते हैं, बट स्टिल इट विल लुक गुड विद द पैटर्न। तो देखिए, अब मेरा किचन का मेकओवर पूरा होने वाला है। देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने कुछ कैंस अच्छी रख दी हैं बिकॉज ज़्यादा करने में थोड़ा ओवर हो जा रहा था। तो देखिए, बट आप कर सकते हैं, इफ़ यू विल नॉट माइंड इट विल लुक ओवर। देखिए, मेरा फाइनल लुक है। मैंने डेकोरेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी क्योंकि पहले मेरे किचन का हाल बहुत अजीब हुआ था, और देखिए जो मैंने DIY बनाया था वो इसके संग मैच करा, और ऐसा लग रहा है मैंने उसी के संग लिया होगा। सो गाइज, आई विल लाइक टू tell you that please subscribe my channel and also like and thank you for the day's video. तो मैं अभी आपको फाइनल लुक और दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करी जिनका मैंने वीडियो नहीं दिया है। बट आप देख सकते हैं, मैंने इसमें यहाँ किचन में प्लांट रखे हैं जिससे कुछ नेचुरल वाइब आया मुझे। खाना बनाते समय मैं बहुत बोल जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नेचुरल वाइब भी देते हैं। तो देखिए, मेरा पूरा ओवरऑल लुक है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं खाना बनाते समय मुझे इंटरेस्ट आएगा। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छा लगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।